चाहे सुख हो या दुख, दोनों का हिसाब देना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। एक सेठ जी बहुत ही ईमानदार थे, बहुत दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति आता उधार मांगने के लिए, वो किसी को मना नहीं करते और अपने मुनीम जी को बुलाकर और पूछते कि तुम जो कर्जा ले रहे हो वो इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो तो कहते सेठ जी मैं कर्जा इसी जन्म में चुकाऊंगा, पर जो चालाक धूर्त होते तो वो कहते कि ये तो पूछ रहा है कि इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में चुकाओगे, सेठ जी कितना मूर्ख है। तो कह देते कि नहीं मैं सेठ जी इस कर्जे को अगले जन्म में चुकाऊंगा, और सेठ जी मुनीम जी से बोलते कि तुम अपने बही खाते में लिख दो कि ये व्यक्ति इस कर्जे को इसी जन्म में चुकाएगा, या फिर जो कहता कि हम इस जन्म में नहीं, तो कहते मुनीम जी इसको बही खाते में लिख दो कि ये व्यक्ति इस कर्जे को अगले जन्म में चुकाएगा। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जिनको जरूरत होती वो सेठ जी के पास जाते और सेठ जी से बोलते कि सेठ जी मुझे कर्जा चाहिए। एक दिन एक चोर, उसने भी सब सुना कि सेठ उधार पैसा देता है, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी चला जाऊं और जिस तरह मैं सबको ठगता हूं तो इस सेठ जी के पास भी जाकर उस सेठ को भी ठग लूं। गया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी मुझे भी कर्जा चाहिए, बहुत परेशानी में हूं। तो सेठ जी ने मुनीम जी को बुलाया और मुनीम जी ने कहा कि तुम कर्जा ले रहे हो तो इसको इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में चुकाओगे। तो उसने कहा कि सेठ जी मैं इस कर्जे को अगले जन्म में चुकाऊंगा। चोर का मकसद पैसे उधार मांगना नहीं था, उसका मकसद था कि तिजोरी में देखने कितना पैसा है और उस पैसे को वो सारा हड़प ले, चोरी कर ले। उस मकसद से वो कर्जा लेने आया था और कर्जा लेकर उस पैसे को लिखवा लिया कि इस पैसे को मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा और पैसा लेके चला गया। रात्रि के समय वह उसके सेठ के तबेले में, जहाँ भैंसें बंधी हुई थी, उस तबेले में जाकर छिप गया। जब रात बढ़ने लगी और जैसी रात बढ़ने लगी तो भैंसें आपस में बात कर रही थी और चोर छिपकर सुन रहा था कि जैसी ज़्यादा रात हो और वो जाके तिजोरी के पास जाके सारा पैसा निकाल ले। जो भैंसें आपस में बात कर रही थी चोर सुन रहा था, और चोर को कुछ कुछ समझ में भी आ रहा था। तो एक भैंस दूसरे भैंस से बोली कि तुम कब से हैं वो यहाँ पर? तो भैंस बोली मैं तो अभी 3 दिन ही हुए हैं यहाँ पर आए। क्यों, तुम यहाँ क्यों आना पड़ा? बोले कि मैंने सेठ जी से कर्जा लिया था और सेठ जी से कहा था कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में चुकाऊंगी, और देखियो मैं भैंस बन के उनके ही तबेले में ही आ गई। तो दूसरी भैंस से बोली कि तुम कब से हो? बोली मैं तो यहाँ से 3 साल से हूँ। और तुम किस लिए? कि मैंने भी सोचा सेठ इतना दयालु है, कहता है कि इस जन्म में कर्जा चुकाना हो तो चुका लो, नहीं तो अगले जन्म में। तो मैंने सोचा कौन पूछने आ रहा है, कौन देखने आ रहा है कि तुम्हें कर्जा चुकाना है कि नहीं है, पर मैं यहाँ भैंस बनकर इसके तबेले में हूँ और दूध दे रही हूँ और अपना कर्जा मुक्त कर रही हूँ। तो इन दोनों की बातें सुनकर चोर सोच में पड़ गया। चोर ने जब बंधी हुई भैंसों की बातें सुनी उसके तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा जो मैंने कर्ज लिया है या तो इस जन्म में चुकाना पड़ेगा या अगले जन्म में इन भैंसे बन के ही चुकाना पड़ेगा। सुबह होते ही वह उल्टा पैर सेठ जी के पास गया, मुनीम जी को बुलाया कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ये कर्जा मैं वापस करना चाहता हूँ और मेरा नाम उस बही खाते से हटा दो, काट दो, निकाल दो, ताकि मुझे कर्जा ना देना पड़े। हम इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमने किसी को देना है या किसी से लेना है, और प्रत्येक को कुछ लेना और कुछ देना ही होता है, कर्म का यही हिसाब है। इसलिए तो कोई बेटी बनकर, कोई बेटा बनकर, कोई पति बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई भाभी बनकर और कोई दामाद बनकर आपके साथ आपका रिश्ता जुड़ जाता है और वो आपसे कर्जा लेने आता है या आपका कर्जा देने आता है। देखा है कोरोना भी हुआ,
व्यक्ति बीमार भी हुआ, लाखों करोड़ों रुपए भी लग गए और मिट्टी का व्यक्ति मिट्टी में समा गया। आज जो मिट्टी के ऊपर था, आज वो मिट्टी के नीचे पहुंच गया। तो ये कर्ज ही है। तो आप खुद सोचो कि हम कर्जा इस जन्म में चुकता करेंगे या कर्जा अगले जन्म में चुकता करना है, ये हिसाब किताब जोड़ आपको करना है। क्योंकि आपकी मैथ, आपकी गणित बहुत अच्छी है, क्योंकि हम इसी गुणा भाग में सारी जिंदगी को निकाल देते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा, इसमें हम सोचते ही नहीं हैं और सारी जिंदगी हमारी इसी में निकल जाती है। तो हिसाब किताब को बना के रखिए कि कर्जा मुक्त होकर रहना है या कर्जा चढ़ा के ऊपर जाना है।